समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के जल्द स्वस्थ होने के लिए इन दिनों सपा के शहर दक्षिणी के उपाध्यक्ष सलामतुल्ला लगातार बुजुर्गों की दरगाह पर माथा टेक कर उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली के बाद सलामत और उनकी टीम अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पहुंची। यहां सलामत और उनकी टीम ने यहां मज़ार पर चादर पोशी की और फातिहा पढ़कर आजम खान के जल्द स्वस्थ होकर सक्रिय राजनीति में लौटने की दुआएं की। इस मौके पर सलामत और उनकी टीम ने गरीबों को खाना और ज़रूरत के सामान भी बांटे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को थोड़ी राहत देते हुए उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट गिराने के रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर रोक लगा दी है और इस मामले में सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।